कम्युनिटी हेल्पर्स क्या होते हैं? ओ रुको रुको, मैं कुछ काम कर रही हूँ। हाँ तो अब बताओ, कम्युनिटी हेल्पर, उनके बारे में तुमने कहाँ से सुना? तुम्हारी टीचर ने बताया क्या? हाँ। बच्चों, जब हम कोई काम करते हैं तब बहुत सारे लोग हमारी मदद करते हैं। अक्सर हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, पर उनकी मदद के बगैर हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारा ड्राइवर, हमारा वॉचमैन, हमारा बावर्ची, अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हमें इन कम्युनिटी हेल्पर्स की सराहना करनी चाहिए और उनका आभारी होना चाहिए। हाँ माँ, तुम्हें पता है, कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में मुझे बड़ी ही सुंदर सी कहानी याद आ रही है। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। ये घटना एक आर्ट गैलरी में हुई थी। तुम्हें पता है वो क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स दीवारों पर टंगी होती हैं। इन पेंटिंग्स का लुफ्त उठाने के लिए लोग गैलरी में आते हैं। ये आर्ट गैलरी काफी ज्यादा मशहूर थी। दूर दराज से लोग पेंटिंग्स देखने आया करते थे। एक राजकुमारी की पेंटिंग सबसे बेहतरीन थी। वो काफी बड़ी पेंटिंग थी और प्रिंसेस का चित्र बड़ा सुंदर बनाया गया था। इतनी अच्छी पेंटिंग देखकर लोग बहुत खुश हुआ करते थे। सचमुच ये एक अनोखी और खास पेंटिंग थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि वो एक जादुई पेंटिंग थी। हर रात जब सारे लोग वहां से चले जाते, तब उस पेंटिंग से राजकुमारी जिंदा होकर बातें करने लगती थी। अब देखने जाओ तो ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी थी। पेंटिंग वाली राजकुमारी बात करने में बहुत ही कठोर थी और बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। ओह, मैं कितनी थक गई हूँ, इन लोगों के लिए पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है। उफ, आखिरकार छुटकारा मिल ही गया, अब मैं आराम कर सकती हूँ। अब सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, कितना शांत माहौल बन गया है यहाँ। ओह, ये क्या था? आह, ये पुराना चिराग, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जब इतने लोग मुझे देखने आते हैं तब वो तुम्हें भी देखते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, ये कौन बोला? अरे ये कौन बोला? यहाँ पर तुम अकेली नहीं हो जो बात कर सके, इतना घमंड अच्छा नहीं। लेकिन मैं सही हूँ, तुम्हें नहीं लगता? अगर मैं ना होती तो तुम्हें कौन देखता? मेरी ही वजह से तुम भी मशहूर होते जा रहे हो, समझे? भले ही मैं एक नायाब चीज नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी कोई कीमत है। आज तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मेरी क्या कीमत है। पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, अब मुझे सोने जाना है। गुड नाइट। अगली शाम चिराग ने ऐसा कुछ किया जिसके बारे में राजकुमारी ने कभी सोचा तक नहीं था। कितनी सुंदर पेंटिंग है, सच में कमाल है, बहुत खूबसूरत। लेकिन यहाँ अंधेरा हो रहा है, काश कि यहाँ थोड़ी। हे, सुनिए सुनिए। क्या बात है भाई साहब, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट चालू कीजिए। ओह, शायद मैं लाइट चालू करना भूल गया, रुको मैं देखता हूँ, एक मिनट। लगता है ये दिया काम नहीं कर रहा, कहीं और जाकर देखते हैं। हाँ, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। और ये हर रोज होता रहा। हर दिन एक नया बल्ब लाया जाता था, लेकिन वो चिराग रोशन होने से मना कर देता। चिराग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे आजकल देखने कोई नहीं आ रहा। शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हर चीज की अपनी कीमत होती है। जी हाँ, मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आ, जरा वो देखो, कितनी खूबसूरत है। चलो चलकर देखते हैं। इसका मतलब वो दिया एक कम्युनिटी हेल्पर था। हाँ,
अब हम भी सारे कम्युनिटी हेल्पर्स की सराहना करेंगे। सूर्यास्त का नजारा कितना खूबसूरत है दादाजी, हमें कभी सूर्यास्त देखने को नहीं मिलता क्योंकि हम इस समय हमेशा स्कूल में होते हैं। वेल, अच्छी तरह से देख लो, तुम जानते हो आकाश में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। और वो क्या होती हैं? बहुत सारी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ। देखो ये तुम्हें पता है, ये सूरज है, ये एक बड़ा आग का गोला है, हमसे कई मील दूर है, ये एक सितारा है, ये हमें दिन में उजाला और गर्मी देता है। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक चक्कर पूरा करने में उसे एक साल लग जाता है। ओह, देखो रात हो गई, वो देखो चांद निकल आया है, चांद यानी पृथ्वी का उपग्रह है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसे एक महीना लगता है एक चक्कर को पूरा करने में। और ये देखो, ये रहे ढेर सारे सितारे, सितारे भी सूरज की तरह चमकीले होते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं। वो हमेशा आसमान में होते हैं पर उन्हें हम सिर्फ रात में देख पाते हैं। वो देखो, वो हैं ग्रह, ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह ही है, कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। तुम्हें उनके नाम पता है क्या? 8 ग्रहों के नाम हैं बुध मतलब मरकरी, शुक्र मतलब वीनस, पृथ्वी मतलब अर्थ, मंगल मतलब मार्स, गुरु मतलब जुपिटर, शनि मतलब सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बुध मतलब मरकरी सूरज का सबसे करीबी ग्रह है, उसके बाद शुक्र मतलब वीनस और ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, उसके बाद अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन है, उसके बाद मंगल यानी मार्स, लाल रंग का ग्रह जिसे हमने आकाश में देखा था, अगला ग्रह है गुरु यानी जुपिटर, यह आकाश गंगा का सबसे बड़ा ग्रह है, और यह है सैटर्न मतलब शनि, अपने छल्ले की वजह से ये बहुत खूबसूरत लगता है, और ये रहा यूरेनस, और आखिरी ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून का वातावरण ठंडा होता है, अब ठंड बढ़ गई है तो चलो अंदर। आकाश कितना खूबसूरत होता है दादाजी। बहुत खूबसूरत, अगली बार हम दूरबीन से इसे अच्छे से देखेंगे। ये हम दूरबीन लाएंगे। मैं तुम्हारे जन्मदिन में इसे उपहार दूंगा। हमारे दादाजी सबसे अच्छे हैं। ये हम अच्छा नहीं खेल पाए। मैंने देखा, ये बताओ तुम आखिरी ओवर में क्यों नहीं खेले? क्या फायदा दादाजी, एक ओवर में बहुत सारे रन चाहिए थे। सिर्फ 19 रन, तुम कोशिश तो करते। वो नामुमकिन था दादाजी। लेकिन तुमने तो हार ही मान ली, तुमने उन चींटियों की याद दिला दी मुझे। कौन सी चींटियां दादाजी? क्या तुम दोनों चींटियों की कहानी सुनना चाहोगे? ये कहानी सुनेंगे। एक जमाने की बात है, बहुत सारी चींटियां एक बिल में रहती थीं। वो चींटियों की एक बड़ी सी कॉलोनी थी, वो सारी चींटियां मिलकर खुशी से रहती थीं। एक दूसरे की वो मदद भी करती थीं और इसीलिए उनकी कॉलोनी लगातार बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, बारिश का पानी चींटियों की कॉलोनी में चला गया। अरे नहीं, तो अब हम क्या करें? सारा पानी हमारे घर के अंदर घुस रहा है। मेरे बच्चे, भाग जाओ यहाँ से, अभी भागोगे तो बच पाओगे। जॉनी, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? जाने का कोई रास्ता नहीं है, देखो जमीन पर पानी भर गया है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? कम से कम भागने की कोशिश तो कर सकते हो। मुझे नहीं लगता हम सुरक्षित बचेंगे। तो करो जो करना है, मैं तो बाकियों के साथ जा रही हूँ। मेरे बेचारे दोस्त।
अगर दोस्तों ने हार नहीं मान ली होती तो शायद आज वो जिंदा होते। देखा तुमने, हार मानने से कोई फायदा नहीं होता है, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अब मेरी समझ में आया दादाजी, कल के मैच में मैं जरूर जीतूंगा, बस आप देखते जाइए।